सतीपावत नावल फेरा ढोला दूर दया ढोला दूर दया सतीपावत नावल पाकिस्तानी अदाकार बिलाल खान 15 अगस्त 1978 को पैदा हुए। अपने वक्त के वो एक मशहूर अदाकार और मॉडल रहे और पाकिस्तानी टीवी ड्रामा सीरियल्स में हमेशा लीड रोल में नुमाया रहे। बस बनता बस, हद होती है पागलपन की। उनके मशहूर ड्रामों में दास्तान, पल भर में, दिल्ली के बांके, बारिश मुझसे बातें करने लगती है। सच कहो, क्यों आते हो यहाँ? किस्मत खींच कर ले आती है। यूं के मुंह पे झूठ बोलते हो? झूठ तो कभी नहीं बोलता। और ड्रामा सीरियल सस्सी शामिल हैं। जा सस्सी प्यासी थल की, हो जा तू यार पुनल की, हो जा तू यार पुनल की। सन 2002 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पहला सचदा भी शाये की। शायकीन ने उन्हें उनके हर किरदार में बेहद सराहा और पसंद किया और बिलाल खान ने भी अपने हर किरदार को बखूबी निभाया। सुल्तान! और खुलकर अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने फैंस के दिल जीत लिए, लेकिन वो ये ना जानते थे कि उनका और उनके शायकीन का साथ बस थोड़े ही अरसे का है और वो वक्त से पहले ही अपने शायकीन को उदास कर जाएंगे। इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में पेश आने वाला वो भयानक हादसा उनकी जिंदगी भी ले गया। अपनी मौत से कुछ दिन कबल वो अपने करीबी दोस्त से मिलने गए, जो एक टेलीफिल्म की शूटिंग के दौरान दूसरे अमले के साथ इस्लामाबाद में एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। बिलाल खान इस टेलीफिल्म का हिस्सा नहीं थे। रात के वक्त कमरे में गैस फटने से आग ने उनके पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। बिलाल खान उस वक्त मुन्ना के साथ ही थे। दोनों कमरे से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन बदकिस्मती से शदीद झुलस गए। दोनों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद भी दी गई, लेकिन बिलाल के जिस्म का 75% हिस्सा जलने की वजह से डॉक्टर्स उन्हें ना बचा सके। और अपनी सालगिरह से एक दिन कबल यानी 14 अगस्त 2010 को जख्मों की ताब ना लाते हुए महज 31 साल की उम्र में अपने चाहने वालों को अफसरदा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी शायकीन की यादों में जिंदा हैं। बोलो शर्जील, कहो ना अपने दिल की बात। किंती, तुम्हारी मुलाकात और दोस्ती ने एहसास दिलाया कि चाहत भी इस दुनिया में कोई चीज है, जज्बे भी है। जो जिंदा हो जाए ना, तो इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है। तुम्हारी कुर्बत ने मुझे प्यार करना सिखाया है। मुझे इस गांव की एक लड़की ससी से प्यार हो गया।
बहुत प्यारी और मन भावनी है। तुम सुल्तान से कह के मेरी मदद कर सकती हो।